हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th और नीट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और वो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसके पहले वाले वीडियो पार्ट में आपने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है और वो ब्रेकडाउन साइटोसॉल में यानी साइटोप्लाज्मिक एरिया में होता है, उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है। उसका फाइनल प्रोडक्ट पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट बना था। इसके बाद पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और वो एसिटिल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक साइकिल चलती है जिसको सर हैंस क्रैब ने 1937 में डिस्कवर किया, जिसके लिए उनको लेटर ऑन 1953 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये आज की जो हम डिस्कशन करेंगे वो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल एरोबिक कंडीशंस में ही यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो पाती है वहाँ पे होती है। तो अगर कोई बैक्टीरिया है फॉर एग्जाम्पल जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है, अब एरोबिक बैक्टीरिया में क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं बैक्टीरिया में, फिर तो उसके जो क्या होते हैं मेम्ब्रेन होते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसमें कुछ फोल्डिंग्स होती हैं, इनर फोल्डिंग्स हो जाती हैं जिसको मीजोसोम कहते हैं। वहाँ पे वो एंजाइम प्रेजेंट हैं जो कि इस साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी अगर एरोबिक बैक्टीरिया है तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, पर रेस्पिरेशन की ये वाली स्टेप भी कंप्लीट होती है और वो मेसोसोम पे होती है। इज इट क्लियर? चलिए शुरू करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, क्रेब्स साइकिल आज हम पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स सर हैंस क्रैब ने खोजा था इसलिए क्रेब्स साइकिल, और इसका पहला प्रोडक्ट साइट्रेट है या साइट्रिक एसिड है, तो ये साइट्रिक एसिड साइकिल, और ये तीन कार्बोक्सिलिक एसिड का बना होता है इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दैट इज टी सी ए साइकिल भी कहा जाता है। तो इसके तीन नाम बहुत ही फेमस हैं, इन तीनों को याद कर लेना चाहिए। टी सी ए साइकिल को स्टार्ट करते हैं। ये है पाइरुवेट जो कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट था, फाइनल प्रोडक्ट। इसमें को एंजाइम ए जुड़ता है, यहाँ पे को एंजाइम ए ऐड होता है और यहाँ पे एक और एंजाइम, एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम, मतलब बहुत डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो है पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। डीहाइड्रोजिनेस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एनएडी मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन चाहिए और डीहाइड्रोजिनेस इसमें से हाइड्रोजन निकाल के एनएडी को प्रोवाइड करेगा जिससे कि ये एनएडीएच में कन्वर्ट हो पाए। फर्दर ये एटीएच में ट्रांसफर होगा जहाँ पे आपको पता है कि 1 NADH मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3 ATP, तो वहाँ पे 3 ATP का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ CO2 बाहर निकल जाएगा। अभी जो CO2 बाहर निकल रहा है यानी डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हो रही है, तो पाइरुविक एसिड आपको याद होगा तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, 1 कार्बन निकल गया तो बचा कितना, 2 कार्बन यानी एसिटिल, बचा क्या, एसिटिल। अब एसिटिल में को एंजाइम ए जुड़ जाता है तो इसका नाम हो जाता है एसिटिल को एंजाइम ए। ये जो एसिटिल को एंजाइम है अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर सकता है। क्या है कि पाइरुवेट एज इट इज माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर सकता, यही प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको कन्वर्ट होना पड़ता है एसिटिल को एंजाइम ए। क्लियर हो गया? चलिए अब पहला स्टेप शुरू करते हैं इस साइकिल का। ये तो एक अलग प्रोसेस था, लेकिन एसिटिल को एंजाइम ए कैसे बने ये भी जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि नीट में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब हम साइकिल को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी साइकिल है, एसिटिल को एंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट के साथ कंबाइन होता है और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। इसके साथ जुड़ता है, कंडेंस होता है, इसलिए इसको कंडेंसेशन कहते हैं। एंजाइम जो यहाँ पे वर्क करता है वो है साइट्रेट सिंथेटेज, साइट्रेट सिंथेटेज। H2O भी यहाँ पे ऐड हुआ, बट साथ ही साथ को एंजाइम ए बाहर निकल जाता है, यानी इस प्रोसेस में COA बाहर निकल गया।
अब देखिए यहाँ पे जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना वो है साइट्रिक एसिड या साइट्रेट, साइट्रिक एसिड या साइट्रेट। तीन कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप इसमें जुड़े होते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, दैट इज टी सी ए साइकिल, इसीलिए इसका नाम टी सी ए साइकिल भी है। क्रेब्स साइकिल, टी सी ए साइकिल, साइट्रेट साइकिल, है ना, ये सारे नाम हो गए। नेक्स्ट, साइट्रेट से ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है सिस एकोनेटेट, ये बहुत देर तक नहीं रह पाता मेंटेन, तो इसको तुरंत फिर कन्वर्ट हो जाना पड़ता है आइसोसाइट्रेट में। जब साइट्रेट से सिस एकोनेटेट में कन्वर्ट होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, इस प्रोसेस को एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। अगेन सिस एकोनेटेट या सिस एकोनेटिक एसिड कन्वर्ट हो जाती है आइसोसाइट्रिक एसिड में, आइसोसाइट्रेट में, ये भी एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होने वाली प्रोसेस है। यहाँ पे आपकी बार H2O मॉलिक्यूल जुड़ेगा, एक H2O का मॉलिक्यूल जुड़ता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। इसके पहले डिहाइड्रेशन हुआ था, इस बार हो गया हाइड्रेशन। आप सोच रहे होंगे कभी वाटर निकलता है कभी आता है, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में बॉन्ड की अरेंजमेंट्स होनी है। आपको पता है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जिसमें एनर्जी होती है, उसको अरेंज होना और इसको स्पेसिफिक मैनर में टूटना है और फिर से रीजनरेट होकर ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनाना है, ये समझ में आ रहा है? और ये जो एसिटिल कोएंजाइम है इससे CO2 निकलने हैं, बदले में इनके बीच के जो बॉन्ड है उससे ATP बननी है, इसीलिए ये प्रोसेस होते रहते हैं और बॉन्ड की अरेंजमेंट की वजह से। एग्जैक्टली, दिस इज बायोकेमिस्ट्री। ओके, अब आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट या अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था ऐसे यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी, इसको पढ़ेंगे। तो आइसोसाइट्रेट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट और यहाँ पे एक NADH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब NADH मॉलिक्यूल कैसे बनता है? NAD में हाइड्रोजन जोड़ने से, यानी हमको हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी इसमें से, समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CO2 भी निकल रहा है तो ये एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, लेकिन हमें एंजाइम भी चाहिए और वो होने चाहिए डीहाइड्रोजिनियस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी जोड़ना है। प्रोसेस, ये जो एसिटिल के दो कार्बन आते हैं ये दो कार्बन बाहर निकल जाते हैं CO2 के फॉर्म में, है ना? तो ये आपको याद रखना होगा कि आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट और अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनिल कोएंजाइम बनने में दो मतलब एक एक CO2 के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, ठीक है? एग्जैक्टली, अब यहाँ पे एक NADH बन गया, ठीक है। एंजाइम कौन सी है? आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजिनेस, जहाँ डीहाइड्रोजिनेस है वहाँ हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कोई H जुड़ेगा किसी ग्रुप में जाके। एग्जैक्टली, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड बनता है, बीच में एक और होता है स्टक सक्सिनिल कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए जुड़ रहा है ना, तो इससे बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए और वहाँ भी फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम काम करता है, फिर एक NADH मॉलिक्यूल बनता है, यानी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब यहाँ CO2 निकल रहा है तो ये डिकार्बोक्सिलेशन है, लेकिन यहाँ पे NADH बन रहा है तो एंजाइम काम करेगा डीहाइड्रोजिनेस। सक्सिनिल कोएंजाइम ए तुरंत सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है और वहाँ पे H2O जुड़ता है, यानी हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, और यहाँ जो एंजाइम काम करता है वो है होता है यहाँ पे लिखा नहीं, सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेस, यस, ये एंजाइम यहाँ वर्क करता है और एक गुआनोसिन डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट यानी फॉस्फोराइलेशन हो गया यहाँ पे, समझ रहे? तो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है और इस तरह से 1 GTP = 1 ATP, तो एक और एनर्जी मॉलिक्यूल बन गया। अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनेट तक पहुंचने में दो एंजाइम ने काम किया, एक अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेस, दूसरा सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेटेस, और इन दोनों की वजह से एक NADH मॉलिक्यूल और एक GTP मॉलिक्यूल बन गया। CO2 निकल रहा है इसलिए इस प्रोसेस को हम डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस कहेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। नाउ सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इंटू फ्यूमरेट इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस, अगेन एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, वो है FAD मॉलिक्यूल। NADH
FADH, इन सब के फुल फॉर्म मैं साइड में लिख दूंगा, आप नोट कर लेना, ठीक है। तो FADH में ये कन्वर्ट हो जाता है FAD मॉलिक्यूल, ठीक। और इस प्रोसेस को हम डीहाइड्रोजनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है, सिंपल सी बात है, तो डीहाइड्रोजनेशन है। नाउ फ्यूमेरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, दैट इज मैलेट, मैलिक एसिड कहिए या मैलेट कहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज, और यहाँ पे H2O ऐड होता है, इसलिए ये स्टेप हो गया हाइड्रेशन। ये स्टेप क्या हो गया? हाइड्रेशन। देन मैलेट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, दैट इज ये एक रीजनरेशन की प्रोसेस हो गई, लेकिन यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस होगी, मैलेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में होगी, और यहाँ फिर से एक NADH यानी एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा। अब अगर आपको याद होगा तो ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट में पायरुविक एसिड बनता है, लेकिन उसके दो मॉलिक्यूल बनते हैं, याद है कितने मॉलिक्यूल्स? दो मॉलिक्यूल्स। तो जब भी प्रोसेस में चलेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, अगर उसके एनर्जी काउंट करते तो उसको फिर फाइनली हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके हमारा एनर्जी बैलेंस कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल कितने हैं, एनर्जी बैलेंस को हम कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी है ना, एनर्जी कितनी मिली। तो देखिए, अगर केवल साइकिल की बात करें तो पहले हम साइकिल काउंट कर लेते हैं, साइकिल में कितने मॉलिक्यूल हैं, एक NADH, फिर दूसरा NADH, और एक तीन NADH, 3 NADH मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा एक FADH, 1 FADH मॉलिक्यूल, इसके अलावा 1 GTP, GTP is directly acted as ATP, adenosine triphosphate की तरह function करेगा, ठीक है। अब देखिए, ये है 3 ATP के बराबर, तो 3 into 1 NADH molecule is equal to 3 ATP, and 1 FADH is equal to 2 ATP, it is equal to 1 ATP, ठीक है। टोटल काउंट कर लीजिए, अगर एटीपी को अगर आप सिर्फ काउंट करना चाहते हैं तो 3 3 9 9 और 2 11 और 12, ये हो गया 12 ATP, इन सबको अगर प्लस कर दें, यानी एक एसिटिल को एंजाइम ए जब जोड़ता है साइकिल में तो 12 ATP का फॉर्मेशन करता है। हमारे पास है कितनी मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल, क्योंकि ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल बनेंगे, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो एसिटिल को एंजाइम ए बनेंगे। तो फाइनली केवल हम साइकिल की बात करें तो 12 into 2 is equal to 24 ATP, ये कहाँ मिल गया हमें? क्रेब्स साइकिल में 24 है पाइरुवेट का एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होना, ठीक है, यानी क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट। ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट में भाई एक मॉलिक्यूल NADH का बनता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल होंगे तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट, ठीक है। अब ये कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? तो एक मॉलिक्यूल, एक यानी एक दो बार चलेंगे तो 2 NADH मॉलिक्यूल्स, एंड इट इज इक्वल टू 2 3 6 ATP, 6 ATP। तो 24 में 6 को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 30 ATP। अभी तक हमें कुल 30 ATP यहाँ पे मिल गए, ग्लाइकोलाइसिस में बनते थे 8 ATP, 8 ATP मिल रहे हैं, 24 इस साइकिल से, 6 पाइरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन से, और 8 ग्लाइकोलाइसिस में। तो ये है क्रेब्स साइकिल, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के अलावा नीट एग्जामिनेशंस में, TGT PGT में, यहाँ तक कि CSIR नेट के बी सेक्शन में बहुत पूछता है, तो इसको एकदम से याद कर लीजिए, बैलेंस को कौन किस साइकिल कौन से स्टेज पे आता है, कौन सा एंजाइम है, प्रोसेस को क्या कहते हैं, यही से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए मेरे साथ, मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, MCQs बहुत सारे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, ओके। तो इसे याद कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकते हैं।